अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 9th रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट वाले दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई ए की पावर 12 ओवर ए की पावर एल प्लस एम राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ ए की पावर एम ए की पावर 2m ओवर ए की पावर एम प्लस एन राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ ए की पावर 2n ओवर ए की पावर एन प्लस एल राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे पास प्रिय स्टूडेंट देखें, इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में बेस जो है वो सेम है और इनकी पावर जो है वो डिफरेंट है। अब इधर ये रूल यूज करेंगे, पावर और वो कौन है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या है, बेसिस सेम एक्सपोनेंट, सॉरी बेसिस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट, बेस एज इट इज और पावर्स क्या हो जाएंगी, एम माइनस एन। अब हमारे पास क्या बनेगा, ये इज इक्वल बेस एज इट इज टू एल और ये नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस एल प्लस एम राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ। इधर से डियर स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि ये राउंडेड ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अगर नहीं लगाएंगे तो सवाल आपका गलत हो सकता है। होगा मल्टीप्लाई ए की पावर 2m माइनस इंटू एम प्लस एन, मल्टीप्लाई ए बेस 2n माइनस इंटू एन माइनस एल। जी अब हमारे पास बाहर माइनस अंदर साइन क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, चेंज ए की पावर 2l माइनस एल माइनस एम मल्टीप्लाई ए की पावर 2m माइनस एन एम माइनस एन, नेक्स्ट मल्टीप्लाई ए 2n माइनस एन और प्लस का क्या बने, माइनस का क्या बनेगा हमारे पास, एल। जी डियर स्टूडेंट इधर हमारे पास एन प्लस क्या है, एल। नेक्स्ट क्या बनेगा, अब हम इसको सम कर लेते हैं इनकी पावर्स को, बेस एज इट इज 2l में से एल निकाल दिया, एल माइनस एम एज इट इज, बेस ए 2m में से एम निकाल दिया, एम माइनस एन मल्टीप्लाई बेस ए 2n में से n निकाल दिया, n माइनस l। अब नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट सबकी डिफरेंट है और दरमियान में साइन किसका है, मल्टीप्लाई। अब हम रूल यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, बिकॉज बेसिस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट, बेस एज इट इज पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस क्या बनेगा हमारे पास, ए बेस, अब इन सब की पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कटिंग हो रही है, कटिंग कर देते हैं, ये माइनस का एल और ये प्लस का एल क्या हो गया, कैंसल, माइनस का एम और प्लस का एम कैंसल, माइनस का एन और प्लस का एन हमारे पास क्या हो गया, कैंसल। अब हमारे पास क्या बना, ए की पावर 0। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बेस की पावर अगर 0 हो तो हम 0 एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते हैं, बिकॉज बेस की पावर अगर 0 हो तो जवाब कितना होता है, 1। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर।
अब हम इस चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या रकम लिखी हुई है? ए की पावर एल ओवर ए की पावर एम क्यूब रूट। अब ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन का क्यूब रूट, ए की पावर एन ओवर ए की पावर एल का क्यूब रूट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले डियर स्टूडेंट इधर हम भी कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल कौन सा लगेगा? जिनकी बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डियर स्टूडेंट्स क्या है? डिफरेंट्स। अब हम फार्मूला लिख देता हूं। क्वोशेंट रूल क्या है? बेसिस सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट। बेस एज इट इज, पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। यानी कि फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास? इज इक्वल क्यूब रूट एज इट इज, बेस एज इट इज। अब एल प्लस का हम ऊपर जा किसका हो जाएगा? माइनस का। नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्यूब रूट, ये भी हमारे पास ऐसे बनेगा बेस एज इट इज, और एन ऊपर जा किसका हो जाएगा? माइनस का। क्वेश्चन रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई क्यूब रूट बेस एज इट इज, अब एल ऊपर जाके एन के साथ क्या हो जाएगा? माइनस। किसके मुताबिक? क्वेश्चन रूल के मुताबिक। अब हम ये क्यूब रूट को चेंज कर देते हैं इसकी पावर 1/3 में, ए की पावर एल माइनस एम होल की पावर 1/3। मल्टीप्लाई बेस की पावर एम माइनस एन होल की पावर 1/3। मल्टीप्लाई बेस की पावर एन माइनस एल होल की पावर 1/3। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो रहा है। बेस बेस की पावर होल की पावर, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर फार्मूला लिखता हूं। पावर रूल बेस बेस की पावर एम होल की पावर एन हो, ये इक्वल होता है बेस एज इट इज, पावर्स क्या हो गए? मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे हम इसको? इज इक्वल बेस एज इट इज, अब पावर्स क्या होगी हमारे पास? मल्टीप्लाई एल माइनस एम मल्टीप्लाई 1/3। मल्टीप्लाई बेस एज इट इज एम माइनस एन मल्टीप्लाई 1/3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बेस एज इट इज ए एन की एन माइनस एल, एन माइनस एल मल्टीप्लाई बाई 1/3। जी अब हम इनको इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल बेस एज इट इज एल 1/3। ये माइनस का और ये प्लस का जमा माइनस, माइनस एम 1/3। मल्टीप्लाई बेस ए, अब एन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, एम 1/3। ये माइनस का और ये प्लस का जमा माइनस, माइनस एन 1/3। मल्टीप्लाई ए बेस, अब n को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा? n 3 माइनस l को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, l 3। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास इधर प्रोडक्ट रूल जो है वो बन रहा है, वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। बिकॉज बेसिस सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट, बेस एज इट इज, पावर्स क्या हो जाएंगे? प्लस। यानी कि बेस एज इट इज, बेस क्या हमारे पास? ए, और ये सारी टोटल पावर जो है वो क्या हो जाएंगे? प्लस एल माइन एल 3 माइनस एम 3 प्लस एम 3 माइनस एन 3 प्लस एन 3 माइनस एल 3।
अब क्या होगा, हमारे पास कटिंग हो रही है, पावर्स पावर्स को कट कर देते हैं, प्लस का एल ओवर थ्री और माइनस का एल ओवर थ्री क्या हो गया, कैंसल, प्लस का एम एन ओवर थ्री और माइनस का एन ओवर थ्री कैंसल, प्लस का एम ओवर थ्री और माइनस का एम ओवर थ्री क्या हो गया, कैंसल। रिमाइंडर हमारे पास क्या रहा, ए की पावर जीरो। अब हमारे पास इधर जीरो एक्सपोनेंट रूल यूज हो रहा है, बिकॉज बेस की पावर जीरो किसके इक्वल होती है, वन के। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।